अस्सलामुअलैकुम। अभी हम जाने वाले हैं हज हाउस पे, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो टाइम लगेगा जाने में आने में, बहुत मुश्किल रास्ता है। दुआ कीजिए कोई प्रॉब्लम ना आए और सब आसानी से हो जाए, खैरियत से हो जाए। और जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से पासपोर्ट मिलेगा, बोर्डिंग पास मिलेगा और स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे जो बैग में लगाने के लिए होते हैं। फिर वहाँ से जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेकर आए हैं इंशाल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं, अब तो बस। अस्सलाम वालेकुम, ये हज हाउस है। हम हज हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये सबको पासपोर्ट और जो जो एसेसरीज दी जाती है, जैसे कागजात है वगैरह, बेल्ट दिए जाते हैं हाथ में पहनने के लिए, वो सब चीज़ें रखी है। सब वेटिंग में बैठे हुए, सबका टाइम आएगा। जिसका ये अभी है ना SV 3773, वो फ्लाइट का सारा डॉक्यूमेंटेशन चालू है। इसके बाद में 3 बजे के बाद हमारा होगा SV 3775। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए ये हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये इनका सारा कामों को समझाते हैं, हाजियों की जो कॉम्प्लिकेशन है वो समझा देते हैं। सुनिए, खाने के ये समझाते हैं अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर कभी पहुँचने तक लेट हो जाता है, अजीब थक जाता है, वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर उठना पड़ता है, बहुत सारे वहाँ पर सात चक्कर राउंड मारोगे थोड़ा संभाल के करते हैं, आराम का चक्कर मारोगे। मीना वगैरह में, भिसा गिफा में काफ़ी है, अगर वहाँ पर प्रोवाइड किया है व्हील चेयर में लगा था, वो था वहाँ पर ही होटल के अंदर व्हील चेयर वो है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, यार हाजी को बोलते हैं कि बाद में दुआ में याद रखना, अच्छी बहुत अच्छी आदत है इनकी और दुआ में यकीन करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे और इनको भी अगर उन्होंने हज ना की हो तो हज नसीब करें। अमीन। अस्सलाम वालेकुम, ये मज़ार शरीफ है CST में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और ये है सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी, माशाल्लाह कादरी हैं। और इनका मज़ार इतनी पोस जगह पर है, यहाँ पर करोड़ों रुपए की होती है जो यहाँ की ज़मीनें होती हैं, और इस जगह पर इनका मज़ार है। अजा उसके बिल्कुल पास है एकदम, और बहुत ही अच्छी और माशाल्लाह जगह है। और बाहर से थोड़ा दूर से आपको दिखा देता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है और मस्जिद भी है और बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, देख लीजिए। सुभान अल्लाह। ये अंधेरी की एक मस्जिद है जो शॉपिंग सेंटर के ऊपर है, जो ख़ास व्यापारियों के लिए और मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। छोटे छोटे इंतज़ाम है मगर काबिल तारीफ़ हैं। ये छत के ऊपर है मस्जिद, देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये दरगाह है, इनका नाम है हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा शहीद हैं ये माशाल्लाह। और मस्जिद भी बहुत ही माशाल्लाह है अंदर से, और मज़ार भी बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको दिखाया आगे वीडियो में।
अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास बोनी प्लाजा, पूरी मोबाइल की मार्केट है, पूरी सेकंड हैंड मोबाइल, जैसा चाहिए जो चाहिए सब मिलेगा, मस्त है। देखो पूरा कॉम्प्लेक्स है मोबाइल का। ये ईरान लाइक रेस्टोरेंट, थाली 110 रुपये में, ऐसे इलाके में थाली विचार तो करो, हो ज नहीं सकता। मैंने क्या 110 रुपये में थाली मिला। ईरान लाइक रेस्टोरेंट, नाम भी यूनिक है एकदम। इसके अंदर पापड़ भी है, अच्छा गया, खाओ खाओ तुम भी खाओ। अभी बज चुके हैं रात के 10:30 के आसपास और मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया अपना काम और सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। और ये मेरे मम्मी का टिकट, अम्मी का, ये आना और ये जाना। चलो माशाल्लाह। अभी ये वीज़ा खोलो, तो वीज़ा खोलो। ये वीज़ा है, ये मेरा, इसमें लिखा हुआ आता है कि हज वीज़ा है, ये किधर है किधर है किधर है, ये हज सीज़न, ये हज सीज़न का वीज़ा लिखा हुआ आता है। ये पासपोर्ट नंबर है, हज सीज़न मतलब पूरे सीज़न तक का वीज़ा, 40-45 दिन का होता है। ये मेरा और ये अम्मी का। हाँ, अब इंशाल्लाह कोई नहीं रोकेगा। ये हज के लिए किताबें भी दी है वहाँ से, इसमें भी एक उर्दू है एक हिंदी है शायद, सब लिखा हुआ है इसमें, अरबी उर्दू हिंदी। हाँ, और ये बैग कैसे बैग पैक करने का उसके लिए दिया, थोड़ी हिदायत दी है कि भाई ऐसे ऐसे पैक करने का। चलो अभी दूसरा क्या था, हाँ, और ये रास्ते से ORS लिया है, अगर डिहाइड्रेट हो जाए तकलीफ होगी तो काम आएगा इंशाल्लाह, काम आएगा इंशाल्लाह, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मगर काम अगर आएगा तो इंशाल्लाह उसके लिए। चलो तो आज का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे।